इस वृत्ति को संशय कहते हैं, नहीं? और इसका लक्षण होता है अविवेक, अज्ञान। अज्ञान के द्वारा संशय होता है और संशय का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो संसार की उन्नति है, जो संसार के कार्य है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 100 खरब रुपया कमा लिए, पूरा विश्व तुम्हें जान रहा है, लेकिन तुमने जिसको जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसको नहीं जाना। तो मरने के बाद तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? तो एक शरीर की सीमा है इसके रहने की, 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष, 1000 2000 तो है नहीं। इसके बाद आपके पास रहेगा क्या? आपके विचार, आपके किए हुए सत असत कर्म, बस। जिस विचार से आपने सत असत कर्म किए, वही संस्कार आपको अगली योनि दे देगा। आपका आज का पढ़ा लिखा, आज का पद, आज का व्यवहार, आज का यश, आज की संपत्ति आपके किसी काम नहीं आए। विचार पूर्वक समझ रहे ना? तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि जीवन का लाभ क्या है। अभी मतलब उस लाभ की तरफ हम देख नहीं पाए। जीवन का लाभ क्या है? सत्य क्या है? विश्राम कहाँ है? शांति किसे कहते हैं? सुख का स्वरूप क्या है? जब ये प्रश्न आपके अंदर खड़े होने लगे, तब तो मार्ग खुले। अभी तो इन प्रश्नों का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है। जिसे मुमुक्षता कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मुमुक्षता अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूँ ये सब है क्या, कब तक? एक सामने केवल मानी संख्या मृत्यु, सब आपको शून्य नजर आएगा, सब शून्य। अभी आपकी मृत्यु हो जाए क्या पता, 100 वर्ष बाद हो क्या पता, उसके बाद क्या होगा? हमें अपने देश लौटना है, विदेश में हम कार्यरत हैं, लेकिन सरकारी आदमी होकर के हम अपने देश के हैं, अपने सरकार के हैं। तो आपको जितनी सुविधाएं मिली उनका भोग कीजिए, परिणाम में आपको सरकारी सुविधाएं और मिलेंगी और सरकार आपको पदोन्नति देगी। ऐसा होता है ना, जब आप सरकारी आदमी बन के जाओगे, आप अपने पर्सनल से जाओगे तो हानि लाभ आपको भोगना पड़ेगा, और वहां से मकान तो उठा के लाओगे नहीं। ऐसे ही कुछ थोड़ा सा भावना बनाइए कि हम श्री भगवान के हैं, श्री कृष्ण के हैं, पूरा विश्व श्री कृष्ण का है। मुझे श्री कृष्ण की सेवा मिली है, अलग अलग सेवाओं के स्वरूप है। कोई व्यापार करता है, कोई नौकर, लेकिन है ना भगवान की सृष्टि में। अगर उस सेवा को भगवान का मान लो, हर समय नाम जप करते हो, और ये विचार करो कि यहाँ की उन्नति का कोई महत्व नहीं, भले किसी पद पर पहुंच जाओ आपको गर्व नहीं होगा, बढ़िया जीवन चलेगा। यहाँ की संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। संपत्ति सांसारिक भोग सामग्री देती है, भोग सामग्री इंद्रियों से भोगा जाता है, इंद्रियों से भोगा हुआ हर विषय मिथ्या है, स्वाप्निक है, उसका कोई बात नहीं। क्योंकि ज्ञान नहीं, इसलिए बात समझ में नहीं आती। अब हम हमारा जीवन सही मार्ग पे आ जाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा। हर क्रिया भगवान को समर्पित करो, पूरी सृष्टि श्री भगवान की है और मैं उनका एक सेवक हूं, मुझे ये सेवा दी गई है। ईमानदारी से उस सेवा को भगवान की सेवा मान के करो और नाम जप करो। कुछ समय बाद आप, अगर जो हम कह रहे हैं इसे धारण करना, कुछ समय आप बाद देखना आपके अंदर संशय खत्म हो जाएगा।